तो आज का केक ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आप लोग देख ही रहेंगे किसी के 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का केक यूट्यूब स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली ये हमारी भाभी है, उनके 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो उन्होंने इसी खुशी में मुझसे केक बनवाया 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे। तो ये मैंने क्रम कोटिंग कर ली थी और मैं ये फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी सब्सक्राइबर के लिए केक नहीं बनाया है और यूट्यूब का लोगो वोगो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे बनेगा। पर मैंने सोचा ये मेरी खुद की भाभी का केक है ना, तो चलिए ट्राई करते हैं। पर फिर भी काफ़ी अच्छा केक बन गया था, पर जितना अच्छा मैंने सोचा था उतना अच्छा तो नहीं, पर ओके ओके बन गया था। शायद ये अगर विंटर होता तो मैं कुछ नया इस पर ट्राई कर सकती थी। एक्चुअली मैं कोई भी समर में रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने कोई भी फॉन्डेंट वगैरह नहीं यूज़ किया। जैसे हो पाया मैंने वैसे किया। आपने देखा ही होगा कि सामने से कैसी वीडियो बनी और हम आपको बताते कैसे हमने उसको बराबर किया, क्योंकि क्रीम भी मेरी थोड़ी सी कैकी टाइप से हो रही थी। पर ओके ओके काफ़ी अच्छा बन गया केक और बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर डबल आउटलाइन की ताकि ये कुछ सामने से हाईलाइट होके आए। यूट्यूब तो बिल्कुल भी हाईलाइट होना चाहिए भाई, यूट्यूब के 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए ना, तो यूट्यूब तो अच्छे से हाईलाइट होके आना चाहिए और 10K सब्सक्राइबर भी दिखने चाहिए कि भाई किस खुशी में हमने इसको सेलिब्रेट किया है, 10K सब्सक्राइबर हुए हैं। ये देखिए, और बहुत सुंदर केक मेरा बन गया। ये देखिए, मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही थी पर काफ़ी अच्छा केक बन गया था। ये देखिए, मैंने एक पैलेट नाइफ थी, मैंने सोचा चलिए इससे करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा हार्ड हो रहा था करना, पर काफ़ी मेरी मेहनत के बाद ओके ओके वाली डिज़ाइन बन पाई। मैं जैसे सोची थी बहुत ज़्यादा सुंदर, उतना सुंदर तो नहीं बना पाई। मैंने सोचा था अपनी भाभी की आईडी भी इस पर लिखूँगी, पर थोड़ा मेरे माइंड में ये भी आया नाम किसी को कट नहीं करना चाहिए, और फिर मेरी भाभी जब इसको पोस्ट करेंगी ऑब्वियस सी बात है कि सबको पता लग जाएगा कि उनके ही 10K सब्सक्राइबर हुए हैं। तो मैंने सिर्फ 10K सब्सक्राइबर और यूट्यूब का लोगो बनाया उस पर, और इसको मैंने सारी चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई की। भाई मेरे को चॉकलेट से लिखना भी उतना प्रॉपर नहीं आता है, पर फिर भी मैंने लिखा और ओके ओके लिख गया था, कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई थी, काफ़ी सही लिख गया था। ये देखिए, हमने रेड कलर से उसकी पहले बाहर का जो कोट था वो किया और फिर अंदर से जो हमारा यूट्यूब का लोगो दिखता है वाइट कलर का, तो वैसा ही हमने कुछ बनाया और अच्छा बन गया था काफ़ी। ये देखिए, चॉकलेट लगी हुई थी, मैं उसको पीछे से क्लीन कर रही थी, वो भी हमारी वीडियो की। एक्चुअली कितना भी आप लोग पैलेट नाइफ ले लो फिर भी वो कम पड़ जाएंगे। एक्चुअली मेरे पास खुद 4-5 पैलेट नाइफ है, पर इतना ज़्यादा वर्क हो जाता ना एक साथ, उतनी क्लीन हो ही नहीं पाती है। ये देखिए, फिर उसके बाद जो भी उतनी फिनिशिंग नहीं आई थी इसलिए मैंने वाइट कलर की आउटलाइन भी कर दी, और प्रॉपर वाइट यूट्यूब का लोगो तो ये लग ही रहा था, कोई भी समझ जाएगा, जिसने यूट्यूब देखा भी नहीं होगा वो भी समझ जाएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। काफ़ी मैंने मोटी आउटलाइंस की थी इसकी, ये देख सकते हैं, मैंने डबल आउटलाइन कर दी थी कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, इसको कंप्लीट के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो। मैंने सोचा पहले क्रीम से लिखते हैं 10K सब्सक्राइबर, पर मैंने सोचा कि क्रीम से लिखेंगे तो उतना ज़्यादा शाइनी नहीं लगेगा, चॉकलेट से लिखने के बाद एक तो वो ब्लैक कलर चॉकलेट का वाइट क्रीम के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था। जब भी आप वाइट बेस पे चॉकलेट एकदम, एक तो उसमें इतनी शाइन रहती है चॉकलेट में, फिर वाइट के बाद वो और ज़्यादा हाईलाइट होता है, तो मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया। तो मेरे को लगा कोई बात नहीं, मैं लिखूँगी तो चॉकलेट से भले थोड़ा सा गड़बड़ हो, क्योंकि क्रीम से इतना अच्छा नहीं।
ये आप ही देख सकते हैं कि ये मैंने बहुत सारा इसमें रेड कलर डाला हुआ है, फिर भी जितना प्रॉपर रेड चाहिए था मेरे को उतना रेड नहीं मिला। भाई वाइट क्रीम में आप कितना भी ऐड कर लेंगे वो उतना ज़्यादा नहीं आता। और आप लोग ऑनलाइन फ़ोटोज़ देखते हैं कि गूगल पे तो भाई दिख रहा है एकदम रेड है, वो लोग इफेक्ट्स डालते हैं, वो लोग सिर्फ शूटिंग के लिए रखते हैं, पर रियल लाइफ में उतना रेड नहीं बनता। आप वाइट में कितना भी मिक्स कर लें उतना प्रॉपर आएगा ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले मेरी नीचे से दिख रही थी डिज़ाइन, आपने देखा कि पूरा हमारा केक कवर हो गया। ये सब तो मुझे करते करते सही लग रहा था, पर मेरे को डर तो सिर्फ इस चीज़ का लग रहा था कि मैं 10K सब्सक्राइबर लिख तो पाऊँगी, क्योंकि मैंने केक भी इतना ज़्यादा लिखा नहीं है कुछ भी। मैं टैग्स वगैरह या फॉन्डेंट वगैरह ही यूज़ करती हूँ, मैं लिखने से बहुत डरती हूँ। क्रीम से फिर भी ओके लगता है, और चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा मेल्ट होते तो काफ़ी डर लगता, फिर भी बहुत मेहनत। एक तो मेरी कोन भी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही डर लग रहा था। ये देख सकते हैं मैं इतना डर डर के लिख रही थी भाई, एक एक ड्रॉ में बहुत धीरे धीरे से बना रही थी कि कुछ भी गड़बड़ ना। थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ भी, मैंने इसको मैनेज किया। एक तो क्रीम ये इतनी जल्दी दोबारा से निकलने लगती है, ये देखिए रहे, ये देखिए एकदम से वो आ ही जाती है, जैसे कि आप मेहंदी की कोन देख सकते हैं, वो फिर भी रहती है इजी करना। पर ये देखिए मैं फटाक से इसको उठाई कि कुछ गड़बड़ ना, मेरा फेस भी थोड़ा सा आ गया, पर कोई ना। ये देखिए वैसे भी मैं 10K अपने सब्सक्राइबर पे अपना फेस रिवील करने ही वाली हूँ, फिर मैंने बहुत क्या बताऊँ, इतना मेरे को डर लग रहा था, फिर भी धीरे धीरे पकड़ के मैंने के लिखा। ये देखिए काफ़ी मोटा रहा था, मैं फटाक से कौन उठा रही थी, ये देखिए बहुत डर डर के उठा रही थी, पर फिर भी मैंने सोचा कैसे इसको पकड़ूँ, कैसे मैनेज करूँ। एक्स्ट्रा चॉकलेट भी निकाल रही थी, फिर भी आप इतनी मोटी कौन है, उसको जैसे भी करेंगे वो बाहर आ ही जाएगी। मैं दोनों हाथ यूज़ कर रही थी, इसलिए फ्रंट के कैमरे से आपको दिखा ही नहीं पा रही थी ये कैसा लिख रहा। मैंने सोचा फ्रंट में दिखा लेंगे पर केक में कोई गड़बड़ हो, क्योंकि उनका इतना अच्छा सेलिब्रेशन है 10K सब्सक्राइबर, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऑलरेडी मैं रिस्क ले ही रही थी, चॉकलेट से लिखना काफ़ी हार्ड था, पर हाईलाइट होके आता तो मैंने सोचा लिखना तो ज़रूरी है। पर काफ़ी अच्छा बन गया था केक, उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ पाई थी, मैं बहुत डर डर के दो दो कोन से, आप देख सकते हैं इतनी मोटी कोन थी और मैं आगे छोटी पतली सी लेयर पकड़ी हुई थी, ये देखिए। फिर एक छोटू सा हार्ट भी बनाया मैंने, चॉकलेट का ही बनाया, और मैंने सब्सक्राइबर, मैंने सोचा कोई भी रिस्क नहीं लेना भाई, सिर्फ शॉर्ट में सब्स लिख दो, बाकी पूरा सब्सक्राइब तो मेरे बस का नहीं है, तो मैंने वही लिख दिया। और केक ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर बन गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब सेलिब्रेशन के लिए जो भी उन्हें नीड्स थी कि 10K सब्सक्राइबर और यूट्यूब का लोगो आना चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होके आ रहा था, और मैंने इसलिए उसको, मुझसे ऑलरेडी गड़बड़ी हुआ था तो मैंने काफ़ी मोटा कर दिया था उसको लिखते लिखते, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे सब्सक्राइब वाला जो शॉर्ट्स में लिखा था वो थोड़ा सा छोटा और किया था, पर 10K और यूट्यूब का लोगो प्रॉपर बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम आपको सामने से दिखाएंगे कि हमारा कैसा लिखा हुआ है, पर आप लोगों को वीडियो पसंद आए क्योंकि आप देखिए कितनी मेहनत की, तो ज़रूर से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए मैं उसके ऊपर आउटलाइन कर रही थी, पर मेरे को नहीं पता था आउटलाइन नहीं करनी चाहिए, उतनी फिनिशिंग चली जाती है इसकी। मैं खुश थी, ठीक ठाक लिख गया। ये देखिए सामने से कुछ ऐसा इसका लुक लगा, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। मैंने कुछ इसके ऊपर सिल्वर स्प्रिंकल्स और पिंक कलर के थोड़े से डाले थे, ये देखिए कितना प्यारा और फिनिशिंग आ गई। और जो भी उन्हें नीड्स थी 10K सब्सक्राइबर यूट्यूब का लोगो, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होके आ रहा, कोई भी दूर से देखिएगा तो उसे प्रॉपर दिख जाएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, बाय।